जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने बेईमान दुकानदार पे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए थे उन सब की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और जो ये सोच रहे हैं कि जो एडवांस लेवल के जो बेईमान टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा आपको SI और CI में, है ना। तो वहाँ भी हम रेशो मेथड यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो रेशो मेथड यूज़ होता है ना वो हमारा CI और SI में ही यूज़ होता है। चलिए चलिए दोस्तों, हमारी आज क्लास होने वाली है 216 नंबर क्लास। अभी तक जिसने इससे पहले ही क्लास अटेंड नहीं करी है वो बिल्कुल कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि एक भी क्लास अभी तक ऐसी नहीं गई है जिसमें मैंने टाइप चेंज ना कराओ। हर टाइप मैंने अलग अलग लिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप लिए हैं मैंने अभी तक, है ना। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अब जैसे ही मैं कल को नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन नहीं किया है, उसके साथ आप ऐड नहीं हुए हो तो इसके साथ भी आप ऐड कर लीजिए। इसका आपका प्लस पॉइंट क्या होने वाला है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हिस्ट्री के नेट पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 सवालों की रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना। इसमें काफ़ी मेंबर जुड़े हुए हैं, जब सबके साथ हम टेस्ट देते हैं तो हमारी जो क्लियरिटी है वो साफ आ जाती है। और भी चलिए दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मैं आज आपके सामने मिसक्लेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ विविध प्रकार के। देखिए, कोई सा भी पार्ट हो उसमें आपके बेसिक पार्ट्स तो अलग होते हैं, वो तो पेपर से पूछे जाते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा पूछना होता है एग्जामिनर को तो वो प्रिफ्रेंस करता है हमारे विविध प्रकार के, मतलब जो हमारे मिसक्लेनियस होते हैं। जिनमें मिसक्लेनियस क्यों बनता है? मिसक्लेनियस बनता है बेसिक में कुछ एडवांस ऐड करके, ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, नहीं क्या वो रट ही रहा है। रटने वालों से दूर रहना, समझने वालों से हम विविध प्रकार के क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं आज आपके सामने 4 टाइप के क्वेश्चन लाया हूं। देखिए, जो फर्स्ट टाइप है बहुत फेमस क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत फेमस। पहले टाइप पे मैंने दो सवाल लिए, पहला सवाल, दो सवाल, ये दो सवाल फर्स्ट टाइप पे। फिर मैंने सेकंड टाइप पे केवल एक ही सवाल लिया है। केवल एक सवाल क्यों लिया है? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत ही कम आता है एग्जाम में ना। फिर मैंने नेक्स्ट टाइप कर लिया थर्ड स्पेस, इसमें मैंने लगभग 2 से 3 सवाल लिए। पहला सवाल ये रहा, बहुत फेमस सवाल है। चलिए, फिर एक सवाल मैंने इलियस पे दो सवाल ले लिए। फिर मैंने टाइप 4 करा, जो टाइप 4 लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने ये वाला पार्ट ले लिया 4, इसमें मैंने 2 सवाल लिए, एक तो लिया प्रॉफिट का और इसी पे एक लिया मैंने लॉस का। तो दोस्तों जुड़ जाइए मेरे साथ, अभी तक सेक्शन को लाइक नहीं करा है तो पहले सेक्शन को लाइक कर दीजिए, है ना, जिससे कि सभी में कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब सभी में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आज की जो क्लास होने वाली है वो दमदार धमाकेदार क्लास होने वाली है। मतलब आज हमें एक नए क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्टली पेपर में मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल का बेसिक क्या है? इस सवाल का बेसिक क्या है? देखो, इस टाइप के सवाल में जो हमारे फर्स्ट टाइप है, इस टाइप के सवाल में क्या होता है, हमसे क्या कहा जाता है कि किसी वस्तु को हमने किसी रेट पर बेचा, ठीक है जी, किसी रेट पर मैंने बेच दिया। मुझे क्या देखा कि जब मैंने उस रेट पर चीजें बेची तो मुझे कुछ लॉस हुआ, ठीक है। फिर मेरे से कहा गया, भैया एक काम कर, इस सामान को इस रेट पर बेच, ऐसे रेट पर बेच कि जितनी तुझे हानि हुई है ना उतना ही तुझे प्रॉफिट हो जाए। मतलब क्या होगा, सीखो मेरे साथ। कहेगा किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, कितने रुपए भी हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। मतलब पहले उसने बेचा तो उसको ही हानि, ध्यान से देखना, पहले बेचा तो उसको ही हानि, फिर उसने दोबारा बेचा तो उसको हुआ लाभ, और ये हानि और लाभ आपस में क्या है, बराबर, लॉस
और प्रॉफिट एक दूसरे के क्या है, ये इक्वल है, दोनों क्या है बराबर है। ये आज का फर्स्ट टाइप है। ध्यान रखना, यदि आप कहीं पर जा रहे हो और वहां की आपकी लोकेशन की जानकारी नहीं है, तो आप उस सिटी या उस जगह जाकर आप रेल जाओगे। आप इन चैप्टर को एक सिटी समझे, जिस सिटी की हर लोकेशन आपको पता हो, आपको कहीं भी छोड़ दे जाए, आप वहां से अपने पास आ जाएंगे। तो किसी भी सवाल का मेरा पहला मकसद होता है कि इस सवाल की क्या कह रहा है इस सवाल में, और कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। हम हर टाइप के क्वेश्चंस बना लेंगे जब हमें क्वेश्चंस की नॉलेज होगी। चलिए, इसलिए मैंने दो सवाल लिए। तो आज का पहला सवाल क्या है, जिसमें वो कह सकता है क्या कि पहले बैग का तो लॉस हुआ, अब मैं दोबारा बेचना चाहता हूं, मैं इतने रुपए में बेच दूंगा कि मुझे इक्वल प्रॉफिट हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लॉस तो कम हो लेकिन क्या होने वाला है, इस बार मैं ज्यादा में बिकूंगा। मतलब ये भी हो सकता है कि लॉस और प्रॉफिट ये इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। मतलब आज के फर्स्ट टाइप में अगर हम देखें, फर्स्ट टाइप में देखें, तो इसमें हमें दो टाइप से मिल सकते हैं। मतलब इसमें क्या होने वाला है, इसमें लॉस और प्रॉफिट इक्वल भी मिल सकता है, और सेकंड नंबर पे क्या हमें लॉस और प्रॉफिट डज नॉट इक्वल भी मिल सकता है। क्वेश्चंस आया और मैं करा के छोटी सी ट्रिक बता के आपको खुश करके मैं निकल लिया, तो उसमें मजा नहीं आने का। मजा किसमें आएगा, सर हमें इसका महत्व बता के जाइए, इस सवाल का महत्व था क्या। तो मैंने इसका पहले आपको बेसिक बताया, सवाल दो टाइप से बनता है फर्स्ट टाइप का। चलिए देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन किस टाइप पे डिपेंड करता है, हमारा जो आज क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मुझे एक बार बता दीजिए, पहले क्या क्या हो रहा है, आप बताएंगे सर पहले उसने 2760 रुपए में बिकी, 2760 रुपए में बिकी, बेचने पर क्या हुआ उसको ही हानि, ठीक है जी, बेचने पे क्या हुई इसको हानि हुई। फिर उसने क्या करा भाई, हानि हुई दोबारा बेचा, उसने 2960 रुपए में दोबारा बेचा, दोबारा बेचने पे क्या हो रहा उसको लाभ हुआ, और कितना लाभ हुआ बराबर लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ सर बराबर। तो हमारा पहला केस बन गया कि जब पहले बेक का फिर दोबारा बेक रहा, दो बार सेबिल, तो इसको मैं एक तरीके का नाम दे सकता हूं डबल सेलिंग। क्या नाम दे सकता हूं उसको मैं, अगर एक्चुअल देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इस क्वेश्चन में डबल सेलिंग, मतलब डबल सेलिंग होता है इसमें, डबल सेलिंग टाइप। लो किसी बुक में नहीं है, हमने बना दिया नया टाइप, क्या डबल सेलिंग टाइप। चलिए तो किसको फॉलो कर रहा है, आप कहेंगे सर ये फर्स्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जब लॉस और प्रॉफिट क्या हो इक्वल हो। तो जब ये लॉस और प्रॉफिट इक्वल है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि इसका पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊं और फिर मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊं आपको कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला अगर मैं आपके सामने इसका कंसेप्ट यूज करता हूं, अगर हम कंसेप्ट चलते हैं ना, देखिए कंसेप्ट चलते हैं, तो क्या करना है आपको, उसने काम करा, मैं आपसे कहूं कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। यदि हम कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने का हम सामान लाए हैं, यदि हम कॉस्ट प्राइस से कम दाम में वस्तु को बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस से कम दाम में वस्तु को बेचते हैं, तो हमें क्या होता है बोलो, हमें होता है लॉस। क्या होता है हमें इस कंडीशन में, हमें होता है लॉस, ठीक है जी। यदि हम कम दाम में बेचते हैं, हमने यहां वस्तु को बेच दिया कम दाम में, ठीक है जी, कम दाम में बेचा तो हमें होगा लॉस। ये क्या है, सीपी से कम दाम में। यदि अब मैं यदि सीपी से ज्यादा दाम में चीजें बेच दूं, किसमें बोलो ज्यादा दाम में, यदि मैं ज्यादा दाम में चीजें बेच दूंगा, तो आप खुद ही बता देंगे सर इस कंडीशन में हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है इस कंडीशन में। चलिए दोस्तों, तो ये हमने कंसेप्ट का एक छोटा सा चार्ट बना लिया कि लॉस और प्रॉफिट कैसे होता है। जैसे मैं कहूँ कि 5000 रुपए की मैं एक फोन लाया, मैंने उस फोन को 3000 रुपए में बेच दिया, मतलब क्या हुआ इससे कम दाम में बेच दिया, तो क्या हुआ लॉस। अगर मैं इसी फोन को 7000 रुपए में बेच दूं, तो मुझे क्या होगा बोलो, प्रॉफिट होगा। तो वही तो मैं लिखा है, अगर सीपी से कम दाम में बेचोगे तो लॉस, ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट, ये सब बातें हम जानते हैं ना। चलिए अब मुझे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताइए, तो कहा कि 2760 रुपए में बेचने पर उसको हो रही है हानि, तो हानि कहां पर होगी, इस साइड, किस साइड होगी, इस साइड। तो कितने बेचा, 2760 रुपए में उसने पहले बेचा, क्या हुई उसको हानि। तो हम कह देंगे कि सीपी जो भी रहा होगा उससे इसने कम में बेचा है, तब जाके उसको क्या हुई है, हानि हुई है। अब ये कह रहा है उसी
कह रहा है उसी वस्तु को 2960 में बेचने पर, फिर उसने क्या 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 काम करा, इस बार उसने क्या करा 2960 में, 2960 में बेचा। तो यदि उसने 2960 में बेचा है तो क्या कह रहा है, उसको लाभ हुआ है, लाभ मतलब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए लाभ मतलब प्रॉफिट हो गया। अब हमसे कह रहा है तो मुंह बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वो हमसे ये वैल्यू पूछेगा। कौन सी पूछेगा हमसे, हमसे ये वैल्यू हमसे वो पूछेगा, कौन सी वैल्यू पूछेगा, सीपी। इसका सीपी क्या है, तो अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करने वाले हैं, इसका डायरेक्ट मेथड भी, लेकिन हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो देखिए ये जो पैटर्न है मैं इसमें यूज करने वाला हूँ रेशो मेथड। क्या यूज करने वाला हूँ, रेशो मेथड मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से क्या होने वाला है देखिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि या ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, लॉस और प्रॉफिट इक्वल है, ये हमने पहले डिफाइन कर लिया, लॉस और प्रॉफिट इक्वल है। मैंने मान लिया अपने पास से, मैंने अपने पास से माना कि इसका लॉस क्या है एक, इसका लॉस क्या है एक। यदि लॉस एक का हुआ है तो प्रॉफिट भी कितने का होगा, बोलो एक का होगा, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सर जी हाँ, तो हमारे समझ में आ रहा है, एक का प्रॉफिट, एक का लॉस, एक का प्रॉफिट, डन हो गया। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो मुझे कितने यूनिट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितने यूनिट आ रही है बीच में, बीच में कितने यूनिट आ रही है। तो आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में एक यूनिट और यहाँ से यहाँ जाने में दूसरी यूनिट, मतलब एक और एक दो यूनिट आई, मतलब यहां से यहां जाने पर मुझे क्या दिख रही है, दो यूनिट दिख रही है। और दो की वैल्यू क्या है, दो की वैल्यू क्या है, दो क्या दिखा रहा है, दो दिखा रहा है ये एक और एक दिखा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, तो इसमें और इसमें अंतर है एक और एक दो का, ठीक है। ये क्या है यूनिट में जो हमने मानना है, ठीक है। एक्चुअल में रेशो क्या है, एक्चुअल में अंतर क्या है, 2760 से जब मैं आगे जाऊंगा 2960 तक तो मैं कहूंगा 200 का अंतर है, कितने का 200 का, 2960 में से 2760 घटा लीजिए तो आपका क्या जाएगा 200 आ जाएगा। तो जो हमारी अंतर था उसकी वैल्यू क्या है, दो की वैल्यू क्या आएगी हमारी 200, तो एक की वैल्यू क्या हम निकाल नहीं पाएंगे, एक की वैल्यू हो जाएगी दो से 100 काट दो क्या जाएगी हमारे सामने 100, एक की वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे सामने 100 आ गई एक की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्या निकालना है हमें सीपी निकालना है। तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिए एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है 100, एक की वैल्यू ये दीदी मैं बताऊं, बिल्कुल ध्यान देखना भाई, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा चुटकियों हो जाएगा सवाल, लेकिन कंसेप्ट समझ लेंगे, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 100, एक की वैल्यू कितना आएगी 100। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि 2760 में बेचने पर हमें क्या होती है, हानि होती है, तो हानि जो भी हो रही है वो हानि कितनी हो रही है 100 की हो रही है, 100 की हो रही है। तो हानि अगर मैं इसमें अपनी हानि जोड़ दूं तो कहां जाऊंगा मैं, सीपी पा जाऊंगा। तो इसलिए 2760 और 100 को जोड़ दीजिए, आपका जो सीपी होने वाला है, देखो ध्यान देना, तो जो आपका सीपी होने वाला है, अब सीपी क्या होने वाला है, इस 2760 में क्या क्या जोड़ दीजिए, बस ये 100 को और ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए 100 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 0682, ये आपका करंट आ जाएगा सीपी। अगर हमसे पूछता कि ये क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू 100 तो यहाँ भी एक की वैल्यू कितनी होगी 100, या तो हम इसमें से घटा के निकाल लें, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, 5000 का मेरा फोन था, मैंने ज्यादा में बेच दिया 7000 रुपए में, और कम में कितना बेचा मैंने 3000 रुपए में, यहां कितने का लॉस हुआ मुझे 2000 का, और यहां कितने का हुआ 2000 का प्रॉफिट हुआ। या तो आप 7 में से 2 को माइनस करके पहुंच सकते हो, वेरी गुड, या आप 3000 में 2 को जोड़ के पहुंच सकते हो, बोलो हाँ ना, जोड़ से पहुंच सकते हो ना। तो मैंने वही करा है, जितने का मुझे नुकसान हो रहा था मैंने अपना जोड़ दिया, तो मुझे क्या निकल गया मेरा सीपी। तो नुकसान कितने का, अब मेरा नुकसान कितने का हो रहा था, 100 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो मैंने अपने 100 रुपए जोड़े और मेरा क्या गया सीपी आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट इसका, लेकिन ये इतने फेमस क्वेश्चन हैं कि इनके सभी को डायरेक्ट आंसर तक याद हो जाते हैं। कैसे देखते हैं इसका, अब डायरेक्ट तरीका देखो, क्या सिखाने वाला हूं मैं इसको, अब मैं जो सिखाने वाला हूं इसका बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि फर्स्ट या मैं सिखाने वाला हूं सेकंड क्या इसका डायरेक्ट मेथड क्या होने वाला है। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होने वाला है, बिल्कुल ध्यान देखना कैसे, जब भी आपकी फर्स्ट कंडीशन हो तो फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन में आपको याद रखना है कि पहले बेचेगा फिर दोबारा बेचेगा, तो आपको ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस फर्स्ट
और सेलिंग प्राइस 2 अपॉन में क्या 2, तो यही आ जाएगा आपका सीपी। ये किस में फॉलो कर रहा है बोलो, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है जब हमारा लॉस और प्रॉफिट क्या हो इक्वल हो, तो हम डायरेक्ट इससे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए हम डायरेक्ट ही कर लेंगे क्या क्या, पहले इतने में फिर इतने में, तो जोड़ लो 2760 प्लस में क्या कर लो 2960 अपॉन में 2 से डिवाइड, आंसर 2860 कितना आ रहा है आंसर 2860 ये इज माय आंसर। तो देखिए कंसेप्ट सीखना भी जरूरी है और डायरेक्ट भी जरूरी है। ये डायरेक्ट कब तक सही था, ये डायरेक्ट मेथड तब तक सही था जब तक इसका एडवांस वर्जन के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं अब इसके बाद वो ये मेथड फेल हो जाएगा, आपका जो डायरेक्ट मेथड है ये फेल हो जाएगा, वहां आपको कंसेप्ट मतलब रेशो मेथड से ही जाना होगा। इसका नाम था रेशो मेथड, ठीक है जी, ध्यान रखना इसका रेशो मेथड था, मतलब हमें यह देखना होता है कि हमारी पहले और लास्ट में इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि वैल्यू में तो हम डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं घटा के, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो रेशो में होगा जो हमें दिया हुआ होगा ना, प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकाल लेंगे, तो रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की निकाल लेंगे इसकी निकल जाएगी, ठीक है जी। बस जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जोड़ के ही आ जाएगा आपका तुरंत, तो कंसेप्ट हो गया। डायरेक्ट में तो कुछ भी नहीं करना, पहले दूसरे को जोड़ के दो से भाग करना है। चलिए दोस्तों बहुत टाइम लग गया इसमें, बहुत टाइम, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं होगा, जो ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके टेट फर्स्ट पेपर में यदि क्वेश्चंस आया तो ये क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस है, इसके चांस ज्यादा है तो इस पर आप इंपॉर्टेंट बिल्कुल लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान देखना, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी कर लेंगे ना, ध्यान दो। इस वाले क्वेश्चन में आपका ट्रिक जो थी डायरेक्ट ट्रिक थी वो आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं है। ध्यान सुनो क्या कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर क्या लिया, लाभ, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। पहले क्या बेच रहा है, 480 रुपए में। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई भाग के बराबर हानि होती। अब ध्यान दीजिए मतलब क्या होने वाला है, ध्यान देना दोबारा देखो, जब लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं होगा तो वो इसको आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि लॉस का रेशो एक प्रॉफिट का रेशो एक, नहीं, वो ये कह देगा जो लॉस है ना वो आपका प्रॉफिट का इतने परसेंट है, या मतलब कुछ घुमा के देगा, मतलब इस पर घुमा के देना हो हमें, इसी को निकालना सीखना है बस। देखो क्या कहा लास्ट में सुनो, कहा कि जो हानि है वो कह रहा है प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर क्या है, हानि। तो यहां से हमने पकड़ लिया हानि हो रही है प्रारंभिक लाभ के, है ना, क्या कह रहा है प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई, प्रारंभिक लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर क्या हो रही है उसे हानि, चलिए हानि हो रही है। अब मुझे आप यहां एक चीज बता दीजिए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो मैं रेशो निकाल लूंगा लॉस और प्रॉफिट का, इसको कह लिया डिवाइड में ले आओ, तो लॉस और प्रॉफिट का रेशो क्या गया हमारा 1/3, मतलब लॉस एक है प्रॉफिट क्या है 3, लॉस की वैल्यू एक प्रॉफिट की वैल्यू कितनी 3, यहां हमने रेशो निकाल लिया। क्या आप मुझे बताओ लॉस और प्रॉफिट इक्वल है, आप कहेंगे नहीं इक्वल है, जब इक्वल नहीं है तो अपने कंसेप्ट से जाओ, पहले कहा उसने 480 रुपए में बेचा, यदि वो कितने में 40 रुपए में बेचा होता तो इतने की हो रही है, अनु ने कुछ लाभ पर एक इसको इतने में बेचा। ध्यान दीजिए कंसेप्ट वही हमारा, सीपी जो भी है ठीक है, पहले उसने किसे बेचा, लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर, कितने बेचा 480 रुपए में, ठीक है जी। फिर उसने कहा यदि वो 400 रुपए में बेचता तो उसको क्या होता, लॉस होता, और लॉस और प्रॉफिट का रेशो हम निकाल चुके हैं, लॉस की वैल्यू, लॉस का मान कितना है एक, और प्रॉफिट का मान कितना है हमारे सामने 3, तो इनके बीच में मुझे अंतर बता दो कितने का, इनके बीच में अंतर है 1 और 3 4 का, अंतर कितने का 4 का, लेकिन ये वैल्यू में कितने का अंतर है, तो 480 में से 40 400 हटा दो कितना 80,
तो अब निकाल लो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी 80 अपॉन 4, तो 4 से काट लो, 4 से कितने बार जाएगा, 4 × 2 = 8, 20 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आएगी 20, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर 20 रुपए की क्या हो रही थी, इसको हानि हो रही थी। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, सीपी पर आ जाऊँगा। तो 400 और 20 को मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया मेरा 420 आ गया सीपी, सीपी कितना आ गया मेरा 420, 420 इज माई राइट आंसर। तो देखिए ये जो मैंने सिखाया ना, इससे आप किसी भी सवाल को कर लोगे। मेरा जो वादा है आपसे, आपको कंसेप्ट सिखाना, एक्चुअल में रटाना नहीं हूँ सर, बिल्कुल रटाना नहीं है। मैंने देखो मेरी आप ना मेहनत देखो, खुद की मेरी मेहनत देखो कि मैं आपके साथ कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अगर इस सवाल को कराना होता मैं चुटकियों में ये ट्रिक बता कर निकल लेता, लेकिन मैंने आपको ना उसकी जड़ तक नाप दी। क्या ये मैंने फर्स्ट टाइप लिया जिसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉस और प्रॉफिट इक्वल भी हो सकता है और लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं भी हो सकता। लॉस प्रॉफिट इक्वल है तो आप डायरेक्ट ही दोनों को जोड़ के दो से भाग करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन हमें कंसेप्ट सीखना है। क्यों? क्योंकि जब ये लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं होंगे तो हमें अपने कंसेप्ट से ही जाना होगा। ये मैंने क्या लिख के दिखाया, ये मैंने इसका आपके सामने चार्ट बना दिया कि एक्चुअल में ऐसा प्रोसेस होता है लॉस और प्रॉफिट में। जब आपका लॉस हो रहा हो इस तरीके से, हमें केवल लॉस और प्रॉफिट की ही वैल्यू निकालनी होती है, लॉस और प्रॉफिट के। चलिए दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल दोबारा एक बार पीछे आकर रिपीट करा लेना। ये दूसरा टाइप करा दिया, इसमें क्या था, इसमें हमारा लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं था, ये एक था और ये मेरा 3 था, तो ये इक्वल नहीं था। बिल्कुल जुड़ जाओ, मेहनत करो, एक एक सवाल की प्रैक्टिस करो, बहुत ही मेहनत से निकाल के लाता हूँ। सवाल बहुत हैं लेकिन आप इम्पोर्टेंट्स तो करके जा सकते हो, कम से कम इम्पोर्टेंट तो करके जाओ। टाइप सेकंड, ये टाइप बहुत ही रियल पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये सवाल ना पढ़ते पढ़ते ही सोल्व हो जाता है, पढ़ते पढ़ते। कैसे कह रहे हैं, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य क्या होता है, SP, विक्रय मूल्य के आधे और आधे का मतलब क्या था, 1/2 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% क्या होती है, हानि होती है। 30% क्या होती है, हानि। इसका मतलब क्या है, 100 में से 30 माइनस गए, इसका मतलब वो 70 की बेच रहा, ठीक है। 30% हानि का मतलब 100 में से माइनस, और 30 का प्रॉफिट मतलब 100 में ऐड, ये हम बता चुके हैं। तो ये सवाल है जो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। कैसे कह रहा, विक्रय मूल्य के आधे में बेचने पर वो बेच रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, 30% की हानि, और 30% की हानि का मतलब है 100 में से 30 माइनस करके, इसका मतलब वो 70 में ही बेच रहा है। उसको कितने में बेच रहा है, 70 में बेच रहा है, 100 की चीज को 70 बेच रहा, तो यहाँ क्या हमारा 70। फिर कह रहा है यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ पड़ सकता है, वास्तविक मूल्य पर बेचे। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो वैल्यू दी गई है 70 किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस के आधे की वैल्यू है 70, तो पूरा का होता है, पूरा होता है 1 पे, ये आधे की वैल्यू 70 है, तो 1 की वैल्यू कर लो पूरे की। तो आप क्या करना, बस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देना, SP × 1, 1 को लिखो ना निकलो कोई दिक्कत नहीं, इसी मल्टी कर लो 140, ठीक है। तो SP की 1 मल्टीप्लाई कर लो, तो अब हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, वास्तविक विक्रय मूल्य आ गया। वास्तविक विक्रय मतलब पूरा, ये थी आधे की वैल्यू 70, हम निकाली 1 मतलब पूरा, तो हमने पूरी वैल्यू निकाली 140। अब मुझे बताइए यदि आप 100 की चीज को 140 में बेच रहे हो तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बोलो 40% का आपके सामने प्रॉफिट हो रहा है। और मुझे एक चीज ध्यान रखना कि यदि मान लो ऐसा लिखा हुआ 160, तो आप बताना कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तुरंत बता देना 60% का प्रॉफिट। लिखा है 110, कितना प्रॉफिट, 10% का, कह दिया 70% लिखा, तो कितने की हानि हो रही है, 30% की हानि हो रही है। तो हमेशा ना 100 पे जो भी चीज चलेंगी ना वो डायरेक्ट ही परसेंटेज बन जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, सेलिंग प्राइस के आधे में बेचने पर 30% क्या हो रही है, बोलो हानि हो रही है। तो हम इस तरीके निकाले 70 बेच रहा भाई, आधे सामान को 70 बेच रहा है, तो पूरे सामान को कितने बेचेगा, 140 में। नू हो जाएगा सवाल चुटकियों में, आ जाओ। यदि अब हमने क्या देखा, सीपी 100 है, बेच कितने मेरा 140 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना, आ जाओ। लेकिन बेसिक एग्जाम के में अत्ता भी है, जुड़ो मेरे साथ। अब थर्ड पैटर्न है, इस सवाल को आप मुझे करके दिखाओ, क्योंकि ये सवाल अगर आपने नहीं करके दिखाया ना
नहीं करके दिखा तो हम नाराज हो जाएंगे। चलो करके दिखाओ इस सवाल को एक बार। इतना हम कमेंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। घर वालों के 5 फोन आ लिए और तुम्हारे लिए हम घर वालों का फोन भी उठा रहे। बताओ भैया के 3 मिस कॉल, बहन की 2 मिस कॉल आई। देख लो मतलब हमारी डेडिकेशन देखिए, हम तुम्हारे पीछे कितने पागल हो रहे हैं पढ़ाने के प्रति, है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पानी का रखा भी। चलिए भाई सवाल करो, इस सवाल को एक बार। एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का 25% ज्ञात करता है। चलिए दोस्तों देखिए, जिन जिन के आंसर्स आ रहे हैं वे सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे रेगुलर जुड़े हुए हैं ना। जिन पे नहीं हो रहा है वो एक बार देखो, बहुत ही सिंपल है। हम टाइप 3rd पे आ चुके हैं, 4th पे भी आ जाएंगे ना। देखिए एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है। जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का किसका, विक्रय मूल्य क्या, एसपी, विक्रय मूल्य का 25%। और 25% की वैल्यू बता दो जरा एक बार मुझे, 25% की वैल्यू 1/4। तो प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई का 1/4, 25% मतलब 1/4 ज्ञात करता है। ठीक है भाई, जो प्रॉफिट है वो इतना है। चलिए अब मुझे बताओ कि यहां से हम एसपी और सीपी का रेशो निकाल सकते हैं। इसको कहां लिया, उसके डिवाइड में लिया हूं। तो पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू कितना गया हमारा, 1/4। ये तरीका फर्स्ट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो करने को तो हम डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं। इसको यहां क्या करो तो एस पी कितना आ गया, एस पी आ गया 4, और बचा गया हमारा पी, जो प्रॉफिट है वो कितना बचा हमारा 1। ये भी डायरेक्ट तरीका है ना, ये मत सोचना काट दिया मैंने, ठीक है। ऐसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जो प्रॉफिट है वो एस पी का 1/4 है। तो इसको नीचे ले आओ, पी अपॉन एस पी कितना आ गया हमारा 1/4 आ गया। तो प्रॉफिट यदि 1 है तो एस पी कितना है 4। चलिए प्रॉफिट हमारा कितना है, एस पी हमारा 4 है, प्रॉफिट 1 है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ सी पी, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लॉस, है ना। चलिए कह रहा है एस पी 4 है, एस पी 4 है, प्रॉफिट 1 है। एस पी 4 है, एस पी 4 है, प्रॉफिट 1 है। तो सी पी बताओ, सी पी क्या होता है, हमें सी पी निकालना, तो क्या निकाल लेंगे, एस पी में से जो प्रॉफिट है उसको घटा दो, जो प्रॉफिट है उसको घटा दो, कहाँ जाएंगे सी पी में। तो सी पी कितना होगा 3, ठीक है जी। 4 में से घटा दे, 3 आ गया सी पी हमारा। तो 3 सी पी था, 1 का प्रॉफिट ले तभी तो 4 में बचा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि देखो एस पी हमारा 4 है तो हमारा सी पी क्या होगा बोलो, सी पी होगा हमारा 3, है ना। चलिए आगे सुनो, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ क्या भाई, 3 की चीज को कितने में बेचा, 4 में। 3 की चीज को कितने बेच दिया, 4 में। तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 3 पे। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 की वैल्यू 33 सही, 1/3%। दिस इज माई राइट आंसर। बहुत आसान है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के 1/4 पर देख रहा है, विक्रय मूल्य 1/4 पर। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू 4, प्रॉफिट 1। भाई जो आपका विक्रय मूल्य में से यदि आप प्रॉफिट हटा दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, सीपी पे पहुँच जाओगे, ठीक है। चलिए 3 की चीज को 4 रुपये में बेच रहे हो, 3 की चीज को 4 बेच रहे हो, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 3 पर। 1/3 वैल्यू 33 सही, 1/3%। इस सवाल को देखो, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि होती है, 10% हानि, लॉस की बात कर रहा है। लॉस जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य का 10%। 10% का मतलब क्या, 1/10, 10% का मतलब 1/10, या ऐसे लिख लो सिंपल
10% लिखा था ना, तो परसेंट को हटा कर क्या लिया नीचे, 100 लिया, परसेंट को हटा के लिया 100 लिया। तो मेरे से डार्ट देखना, एसपी की वैल्यू निकालो, तो डार्ट निकाल लो, ये रही एसपी की वैल्यू, क्या है एसपी की वैल्यू 100। यदि मेरा एसपी कितना है 100, लॉस लॉस बोलो कितना है, लॉस है मेरा 10, ठीक है जी। अब ध्यान रखना सीपी ये रहा, प्रॉफिट करने में 5 पहुंच जाएंगे तुम्हारे, एसपी यहां आ जाएगा, लॉस में बेच दिया एसपी पे यहां आ जाएंगे। तो ध्यान दो, लॉस को हम सीपी पे कैसे पहुंचते हैं, हम इसको और इसको जोड़ कहां पहुंचाते हैं, सीपी पे, है ना। तो एक तो आपको एसपी में यदि मैं लॉस जोड़ दूं, एसपी में यदि मैं लॉस जोड़ दूं कहां पहुंच जाऊंगा, सीपी पे मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। तो ऐसे भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो लाइन थी हमारी। तो यदि मैं सीपी बताना हो तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा मेरा 100 और 10 110 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 110 की चीज को जब मैं 100 में बेचूंगा तभी तो मुझे लॉस होगा 10 का। वेरी गुड, ऐसे हो सकते हो। अब सीखो क्या कह रहा है, सीपी निकाल लिया, एसपी निकाल लिया, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है मेरा 100, कह रहा है इसको आप 20% क्या कर दो, इसको आप 20% क्या कर दो, कम कर दो, 20% कम, और 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, 1/5 कम कर दो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे 100 का 20% क्या है 20 से कर दो, कम कर दो 20, तो 100 में से 20 है कितना हो गया 80। तो जो विक्रय मूल्य 100 था मैंने 20% क्या कर दिया, कम कर दिया, 100 का 20% 20 से कर दिया, कम कर दिया 80 आ गया। अब कह रहा है तो वास्तविक लाभ या हानि बताइए। तो अब ध्यान दो, सीपी था मेरा 110, 110 की चीज को मैंने 80 में बेच दिया, 110 की चीज को मैंने 80 में बेच दिया, तो मुझे कितने का लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ 30 का, कितने का लॉस हुआ 30 का, कितने पे हुआ 110 पे हुआ, कितने पे हुआ बोलो, बोलो 110 पे हुआ, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, तो याद आएगा लॉस परसेंट निकल कर आ जाएगा, कर लीजिए भाई 1 से 10 काट लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा कितना। अब ध्यान दो 1/3 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं कहूँ 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%, 1/11 की वैल्यू, ये ना लिखे तो ये लिख सकते हो 9 सही 1/11, किसकी पूछ रहा है 3/11 की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें भी और इसमें भी, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करो, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 27, 3 × 3/11, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज में आंसर। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 300 को आप डिवाइड कर लेना किससे, 11 से, तब भी आ जाएगा हमारा, है ना, 27 सही 3/11। तो ये हो गया हमारा टाइप थर्ड भी कंप्लीट। अब आइए टाइप फोर्थ की ओर, टाइप फोर की ओर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंपटीशन की तैयारी या पेपर, जैसा आपकी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आप इस क्वेश्चंस को आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ना आपस में पूछते हैं, जैसे मैंने कवर्स पहले कभी नहीं करा, तो मैं इस सवाल को पूछता हूँ एकदम, पहली बार तो मैं पहली बार में बताता नहीं एकदम से, तो मैं पूछता हूँ कि यार ये वाला सवाल बता दे, तुमने रखा वो एकदम बता देगा, क्यों, क्योंकि उसने उस सवाल को कर लिया पहले, है ना। तो ये सवाल ना करे हुए होने चाहिए, पेपर में आए तो नहीं हो जाएंगे। कह रहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ, हुआ लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए दोस्तों, चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसका कंसेप्ट भी सीखेंगे और इसका डायरेक्ट मेथड भी सीखेंगे, दो मेथड सीखेंगे, दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आ जाओ पहले एक बार, पहले इसका आ जाओ कंसेप्ट वाले पर, देखो कंसेप्ट मतलब फर्स्ट मेथड लेके चलने, कह रहा है कि जो लाभ और सीपी क्या है, इक्वल है, क्या कह रहा है, एक तो लाभ मतलब प्रॉफिट और सीपी क्या है, इक्वल है, ये कंडीशन है, प्रॉफिट और सीपी क्या है, इक्वल है, ठीक है, प्रॉफिट और सीपी इक्वल है। अब ध्यान दीजिए हमसे क्या कह रहा है, उसका क्रय मूल्य याद करो, और हमें सीपी ही निकलवा रहा है, सीपी ही निकलवा रहा है, जबकि उसने कह दिया सीपी जो है प्रॉफिट के बराबर है। हमें दिया क्या, हमें दिया है किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, मतलब उसने एसपी दिया हमें, क्या दिया एसपी दे दिया हमें, क्या हमें दिया एसपी दिया 144, ये एसपी दिया भाई। सेलिंग प्राइस क्या होता है, यदि मान लो मुझे कॉस्ट प्राइस मुझे पता है तो सेलिंग प्राइस आराम से निकाल लूंगा मैं, यदि मुझे लागत मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य निकाल लूंगा। मैंने अपने पास से मान लिया, माना जो विक्रय जो सीपीएम क्या मेरा एक्स, मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एसपी जो होता है ना, अब जो होगा एसपी क्या होता है, सीपी का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस
हम क्या ले रहे हैं, हमने x मानना है CP, CP क्या मानना है हमने x 100 है ना, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है हमें ना, CP या प्रॉफिट आएगा, CP आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा इतने का प्रॉफिट, चलिए वेरी गुड प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट केस में प्लस और लॉस केस में माइनस अपॉन में 100, ये चलता है ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने हमसे वादा किया था कि कभी भी आप फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, पूरी अर्थमेटिक हमें नॉलेज से ही आप करा देंगे, ठीक है ये भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मैं इसको सॉल्व डायरेक्ट कराने वाला हूँ, तो हमें बताओ एस पी कितना है, एस पी हमारा 144 है, सी पी हमारा एक्स, एक्स का 100 प्लस प्रॉफिट कितना, एक्स प्रॉफिट भी कितना क्योंकि दोनों क्या बराबर अपॉन में 100। तो देखो जब भी हमारी इक्वेशन में, यहां भी ध्यान रखना, जब भी हमारी इक्वेशन एक्स की फॉर्मेट में हो तो हमें उसे सॉल्व नहीं करना, हमें उसे ऑप्शन से जाना है, क्या लगाना ऑप्शन से। यदि मैं यहां पे 100 से जाता हूं, कैसे जाता हूं 100 से, भाई एक्स क्या है, एक्स है मेरा कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ने मुझसे पूछा है, यदि मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली इसका मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो देखो यदि मैं एक्स की वैल्यू यहां पे 100 रखता हूं तो यहां क्या रखूंगा 100 मल्टीप्लाई 100 और 100 कितना जाएगा 200 को 100 से करेंगे भाग तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 100 की और 2 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 200। क्या हमारा 200 144 के बराबर है, हम कहेंगे नहीं, हमारा क्या आना चाहिए था 144 जो कि नहीं आया, तो 100 ऑप्शन क्या है गलत, 100 ऑप्शन क्या हो गया गलत। मैंने इस बार रख के देखा, मैंने क्या 80 रख के देखा 80, तो 80 रख के देख लेते हैं एक बार, क्या रख लेते हैं बोलो इस बार हम क्या रख लेते हैं 80 रख के देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ रखा 80 ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और 80 कितना हो जाएगा 180, डिवाइड में क्या है 100 है, डिवाइड में क्या 100 है, तो 180 बटे में 100 10 और 18 144, इसका मतलब 80 रखने पर हमारा ये इक्वेशन क्या हो रही है बैलेंस हो रही है, इक्वेशन बैलेंस हो रही है, तो 80 ही हमारा क्या हो जाएगा, 80 हमारा हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 पर क्या हो जाएगी संतुष्ट हो जाएगी, इसलिए हमारा जो CP होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 80 CP हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट हो गया कि हम कंसेप्ट से जाते हैं ना, लेकिन मैंने क्या बताया ये सारे क्वेश्चंस वे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बिल्कुल हर कोई जानता ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस वे हैं जो बहुत फेमस हैं ये मान लो, तो जब ये फेमस है तो फेमस क्वेश्चंस की हम ना बहुत अच्छी ट्रिक बना देते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक जो चुटकियों में सवाल हो जाए, कैसे सुनो क्या कह रहा है बिल्कुल ध्यान ना, 144 रुपए दे रखा बेचने पर क्या हो रहा है प्रॉफिट परसेंट हो रहा है प्रॉफिट, तो ध्यान रखना जब आपको प्रॉफिट हो क्या हो आपको, ये मैं क्या सिखाने वाला हूँ बोलो, ये जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको सिखा रहा हूँ सेकंड मेथड में होगा डायरेक्ट मेथड, जब आपको प्रॉफिट हो क्या आपको प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है, मतलब आपको क्या हो रहा हो लाभ हो रहा हो, तो ध्यान रखना लाभ की कंडीशन में आपके सामने क्या रुपए हैं 144 रुपए, अब इस 144 के ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड करो, ऐसे दो फैक्टर करो गुणनखंड करो जिनका अंतर क्या हो 10 हो, क्या बोला जिनका अंतर 10 हो, प्रॉफिट केस में क्या रखना है अंतर क्या हो 10, याद रखना प्रॉफिट केस में अंतर क्या हो 10। अब मैंने इसके फैक्टर करे दो फैक्टर कर दिए, कैसे 18 × 8 क्या कर दिए 18 × 8 मैंने इसके फैक्टर कर दिए 18 × 8, तो 18 और 8 में अंतर कितने का बोलो, इनके बीच में अंतर कितने का है 10 का अंतर है, तो हमने वेरी गुड हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर करने पे क्या हमें बेनिफिशियल मिला आपको ध्यान रखना, जो भी छोटी वैल्यू होगी बस इसमें क्या कर देना एक जीरो ऐड कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा अरे आंसर हो जाएगा, अरे खुश होकर दिखा दो थोड़ा सा मुस्कुरा दो थोड़ा सा, देखा कितनी सिंपल ट्रिक है 144, क्या आपको पहाड़े भी याद नहीं है, टेबल्स रटने हमें आते हैं, हमने रट रखे हैं हमारे आज तक सब टेबल याद है 18 × 8 = 144, 18 और 10 में डिफरेंस कितने का 10 का, तो 8 के आगे एक लगा दो 0, तो CP हो गया मेरा 80। अब मैं जैसे कुछ एग्जांपल लूंगा उनका मुझे आप बताना है ना,
मैंने कहा आपसे मैंने लिख रखे हैं, बहुत सारे लिख रखे हैं, ये आपको समझ में आया नहीं है, अंतर कितना हो 10 हो तो ये तुरंत आ जाएगा, मैंने लिख रखे हैं, रुक जाओ एक मिनट। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदियां। देखो रेड ले, अरे पिंक ले लो, आ जाओ, देखो पिंक तो याद हो जाएगा। देखो मैंने एक संख्या ली कितनी 96, तो आप क्या कहेंगे 96 के मैंने दो फैक्टर करे, कह दोगे आप 16 छक्का 96, 16 85, 16 छक्का 96, तो इनके बीच में अंतर कितने का 10 का, तो हमारा बैलेंस हो गया। अब ये करो इस छोटी वाली में ही एक जीरो लगा दो, ये क्या हो गया हमारा सीपी हो गया, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम ये भी ला सकते हैं ना, कुछ और भी एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा 75, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने लिया 75, ठीक है जी। अब 75 में क्या क्या होगा, इसे बोलते 15 पंजे 75, तो 15 मल्टीप्लाई 5, अब 15 और 5 में डिफरेंस कितने का 10 का, तो कुछ मत करो जो छोटी वाली है उसी में क्या लगा दो एक जीरो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सीपी, ठीक है। और भी मैं ले सकता हूँ, बहुत मैंने लिख रखे हैं 171, मैंने क्या लिख रखा, या मैंने लिख रखा, चलो छोड़ो ये लिख लो 171, मैंने लिखा 171, तो आप कहेंगे 19 निम्मा 171, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का 10 का, तो छोटी वैल्यू में क्या लगा दो, बस एक जीरो लगा दो, वही आप क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीन बार करा दिए, तो ये क्वेश्चन किस पे था, जब प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज के केस में आपको क्या करना है, अंतर देखना है 10 का, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका क्या है अंतर 10 आ जाए, तो छोटी में एक जीरो लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल क्या है, इस सवाल में क्या हो रहा है बोलो, इस सवाल में हो रहा है हानि, तो हानि वाले सवाल भी हम आराम से कर लेंगे, हानि वाले को भी हम पहले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। एक बार आप इस सवाल को लगा के देखो, एक बार पानी पी लूं, देखो एक बार लगा के, प्रॉफिट में जैसे हमने करा ऐसे हम हानि वाले को भी कर सकते हैं, एक बार करके देखो, एक बार बैठ जाएं भाई, पानी खत्म हो गया है, तो चलिए दोस्तों देखो ये क्या है, ये है हमारा लॉस पर, मतलब इस कंडीशन में जो लॉस है वो क्या है सीपी के इक्वल है, इस कंडीशन में लॉस क्या है सीपी के इक्वल में। अगर हम कंसेप्ट से जाए तो इसे क्या मान लेंगे हम एक्स, अपने पास से मान लेंगे एक्स, तो हमें पता है एस जो SP है वो CP का कितना 100, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस में 100, अब देखो SP कितना दिया 24, हमने क्या माना x इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, किस से गए ऑप्शन से, किस से गए बोलो ऑप्शन से गए, ऑप्शन में पहले हमने उठाया 60, हमने A ऑप्शन यूज करा जिसकी वैल्यू थी 60, अब हम इससे गए, किससे गए ऑप्शन नंबर ए 60 से गए हम, तो जब हमने 60 यहां रखा, देखो यहां 60 रखोगे तो 60 मल्टीप्लाई 100 में से 60 कितने बचे 40, 40 अपॉन क्या 100, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, 6 चौक 24 आ गया जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब ये इसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 24, और 24 ही हमारे क्या है सेलिंग प्राइस, तो हमारा 24 पे क्या है सेटिस्फाई, 60 भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन क्या दिया इधर ए और बी, मतलब ए और बी में से कोई एक या ए और बी दोनों, ऐसा बी को ऑप्शन दिया, तो हम ये भी देखेंगे बी भी हो सकता है नहीं हो सकता, तो हम 40 भी रख के देखेंगे,
तो जैसे ही हमने इस बार 40 आकर देखा, 60 तो करेक्ट हो गया, अब मैं 40 चल रहा हूँ, ऑप्शन बी 40, क्योंकि इधर ए और बी ऑप्शन है, तो मैं 40 भी रखा चला, मैं 40 रखा मल्टीप्लाई 100 में से 40 है तो बचेगी 60 अपॉन में क्या 100, ये देखो 6 चौक 24, तो मतलब क्या है हमारा ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इधर ए और बी दोनों, तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा बोलो, ए और बी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोनों ऑप्शन है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हमारा आंसर। सर ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, अब हमें बताओ इसकी डायरेक्ट ट्रिक, अब मैं इसकी बताऊंगा आपके सामने डायरेक्ट ट्रिक। देखो अब क्या हो रहा है, लॉस परसेंटेज में ठीक है, या हम बोल सकते हैं हानि। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना चीजें, लॉस की कंडीशन में आपको करना है, आपको जोड़ देखना है, जोड़ क्या हो 10 हो, अंतर नहीं जोड़ हो, ध्यान ना, आपको प्रॉफिट में अंतर देखना है और लॉस में आपको एडिशन देखना है। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, ध्यान दे रहा हूं भाई, आपको प्रॉफिट में 10 का अंतर देखना है और लॉस में आपको 10 का सम देखना है, भाई यहां लिख लेना। और आपको पता है जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, प्रॉफिट में अंतर और लॉस में प्रॉफिट जितनी होती हैं, उन सबसे बहुत प्यार करता हूं ना। चलिए तो लॉस में सम आना चाहिए, लॉस में आना चाहिए सम। अब मैं ना 24 के ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका सम क्या होगा 10। बहुत आसान है, 6 चौक 24 और 6 और 4 को जोड़ें कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10। लेकिन अब बताओ सर हम छोटी लें या बड़ी लें, तो अपने कंसेप्ट से ही तो मैं चुरा रहा हूँ चीजें, देखिए जब भी ये हानि वाला आएगा तो उसमें हमेशा दो आंसर आएंगे, जो छोटी वाली है वो भी आंसर होगा, जो बड़ी है वो भी आंसर होगा। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, छोटी में भी और बड़ी में भी क्या कर देना है, एक एक जीरो क्या क्या कर देना, ऐड कर देना है, इसमें भी और इसमें भी 40 और 60, ये होगा आपका आंसर 40 और 60। मैंने कहा आपसे, आपके सामने 25 है, तो 25 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम क्या हो 10, तो 5 5 25, 5 और 5 कितने हो गए 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 50 और 50, ये हमारा आंसर होगा, ये हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, मैंने कहा 21 है, 21 से क्या कर लोगे 7 या 21, 7 और 3 10, और क्या हो जाएगा आंसर 70 और 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 4 टाइप के सवाल कर लिए हैं, एक बार इसका फास्ट रिवीजन करते हैं, एक बार कि आज हमने क्या सीखा। हमने पहले वाले क्वेश्चंस में सीखा जिसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, डबल सेलिंग, मतलब वो डबल सेल कर रहा है, मतलब पहली बार जब सेल कर रहा है तो नुकसान हो रहा है, फिर उसे नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे दोबारा उसका रेट बढ़ाकर बेच रहा है। तो दो क्वेश्चन देखे, लॉस और प्रॉफिट इक्वल भी हो सकता है और लॉस प्रॉफिट इक्वल नहीं भी हो सकता। जब लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो तो आप डायरेक्ट तरीके से जाएं, दोनों को जोड़ दें, दो से भाग कर दें। लेकिन जब आपका लॉस प्रॉफिट अलग अलग हो तो आप रेशो मेथड जाओ। रेशो मेथड क्या है, अंतर, उनके बीच का अंतर देखना है, अंतर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब अगर हम इनके बीच में देखें तो अंतर कितने का, 1 और 1 2 का, क्यों, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट क्या इक्वल है इस कंडीशन में, अंतर 2 का है, 2 की वैल्यू 200, लेकिन रियल में कितने की, इतने की है, चाहे 1 की पूछे, 2 की, 3 की, 5 की, किसी की भी निकाल लो, हम पे 1 की वैल्यू आ गई, किसी की भी निकाल लो, तो इसको और इसको जोड़ के आ जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारा ऐसे। चूंकि लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं है तो मैंने बताया कंसेप्ट से जाओ, वो आपको, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, ये क्या आपका एक्स्ट्रा वर्क, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपको करना ही करना है। ध्यान दो, उसने लॉस कहा प्रॉफिट 1/3, तो लॉस और प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे, लॉस और प्रॉफिट जोड़ के कितना हुआ 4, अंतर रेशो में 4 है लेकिन एक्चुअल में कितने का 80, 1 की वैल्यू निकाल ली, चाहे आपसे 10 की, 20 की, 50 की, किसी की पूछ ले, बस उसकी वैल्यू निकाल के उसके कर देना, जोड़ देना। चलिए ये माइनस नहीं करना, माइनस कर रहा है लॉस को बता रहा है ना, आपको जोड़ के निकालनी है। फर्स्ट टाइप कंप्लीट। सेकंड टाइप में मैंने बताया कि ये पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाता है, विक्रय मूल्य का जो आधा है, विक्रय मूल्य के आधे रेट बेचने पर 30% की हानि होती है। ठीक है, अब हम जब इसे पूरा बेचेंगे तो पूरा बेचेंगे कितने में, 140 में, तो 100 की चीज कुछ 140 में बेच रहे, 40 का प्रॉफिट हुआ। थर्ड पैटर्न में क्या आया, थर्ड पैटर्न में हमने देखा कि ये भी पढ़ते पढ़ते सोल्व होने वाला है। अगर हम प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब
आपको ना रेशो निकालना चाहिए, बस आपने रेशो निकाल लिया या क्या सी पी तीन चीज रेशो निकालना चाहिए। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे था। आज का लास्ट सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसमें दो टाइप के सवाल हैं कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो सकता है और लॉस और कॉस्ट प्राइस भी इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर है। तो दो कंडीशन है, प्रॉफिट इक्वल हो सकता है, लॉस इक्वल हो सकता है। भाई प्रॉफिट केस में सारा सारा नहीं करना तो शॉर्ट में आ जाओ, प्रॉफिट केस में अंतर क्या होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए, लॉस केस में जोड़ क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, है ना, चुटकियों में सवाल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं और अब मैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा CI एंड SI, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। और मेरा आपसे वादा है ऐसा CI और SI आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे परसेंटेज मेरा प्रॉफिट चैप्टर मेन मतलब पसंदीदा चैप्टर है, ऐसे ही CI और SI मेरा फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सब कहते हैं कि CI और SI ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो समझ में आते नहीं, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसी को हम ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वो चीज़ हमारी बड़े हो जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए जुनून के साथ, है ना। तो चलिए दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, यदि माता पिता हैं तो हम सब हैं, है ना, बड़ों का रेस्पेक्ट करो सबकी, है ना, अगर हम सबकी रेस्पेक्ट करेंगे तो हमें रेस्पेक्ट मिलेगी। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।